हरे कृष्णा। तो आज एक छोटी सी कहानी सुन के हम एक सबक सीखेंगे जीवन में किस प्रकार से अलग अलग लोगों से डील करना है। तो अक्सर भक्ति में आने के बाद हमारा स्वभाव बहुत ही खुला हो जाता है और सभी से प्रेम करते हैं, विनम्रता प्रदर्शित करते हैं और सभी को सम्मान देते हैं। लेकिन कई बार बाहर के लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी कमजोरी है और उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं। और कई बार हम अपने हृदय को बांटते हैं सभी के साथ, लेकिन अक्सर हमारे साथ बुरा होता है और हमें ठेस पहुंचती है। तो इस छोटी कहानी से हम समझ पाएंगे कि किससे हम अपने हृदय को बांटें और किससे ना बांटें। तो ये बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। तो एक समय एक बंदर फल के पेड़ पर रहता था और उसके बगल में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रोज आता था और बंदर उस मगरमच्छ को फल खिलाता था। तो इन दोनों में दोस्ती हो गई, मगरमच्छ और बंदर में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और हर रोज बंदर मगरमच्छ को फल खिलाता था और मगरमच्छ बंदर को पानी में सैर कराता था, क्योंकि बंदर तैर नहीं सकता तो मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ के उसको पानी में घुमा के लाते थे। लेकिन एक समस्या हो गई। एक दिन मगरमच्छ जब वापस अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी नाराज हो गई और बोली कि आप रोज़ हमारे लिए फल फूल लेके आते हो, इससे हमारा पेट नहीं भरता और देखो अभी तो हमारे संतान भी हो गए हैं 3-4, उनका भी पेट भरना है। फल, ये सब फल खाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, तुम कुछ शिकार करके लाओ हमारे लिए। तो मगरमच्छ बोला, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन कोई शिकार पकड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सहन करो और ये फल खा के गुजारा कर लो। मगरमच्छ की पत्नी परेशान हो गई और उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि कल तुम अपने दोस्त को पकड़ के ले आओ, तुम्हारा दोस्त बंदर है, उसका जिगर हम सब मिलके खाएंगे, और यदि कल शाम तक तुम अपने दोस्त को पकड़ के नहीं लाते हो तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो मगरमच्छ पूरी रात भर परेशान रहा, सो नहीं पाया और अगले सुबह बड़े दुखी होके अपने दोस्त से मिलने गया। तो जो दोस्त था बंदर, वो उसकी आंखों में देखा और देख पाया कि ये दुखी है, कुछ परेशानी इसके मन में बीत रही है। तो बंदर ने पूछा, मेरे दोस्त क्या हुआ, आज दुखी क्यों लग रहे हो? तो मगरमच्छ ने बोला, क्या बताऊं मेरे दोस्त, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। एक तरफ से मेरे घर वाले मेरे से खुश नहीं हैं, यदि उनको खुश करूं तो मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो मैं बहुत संकट में फंसा हुआ हूं। तो मगरमच्छ ने बोला, एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें सैर कराते हुए सारी बात समझा दूंगा। तो बंदर विश्वास करके मगरमच्छ के पीठ पे चढ़ गया और मगरमच्छ उसको पानी में सैर कराने लगा। कराते कराते धीरे धीरे मगरमच्छ पानी के अंदर चला गया और बंदर को डर लगने लगा। बंदर ने पूछा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमको याद तो है ना मेरे को तैरना नहीं आता, तुम पानी के अंदर क्यों जा रहे हो? तो मगरमच्छ ने दुखी होकर बताया, देखो मेरे मित्र, घटना कुछ ऐसी है कि आज शाम को हम सभी मिलकर तुम्हारा कलेवा खाएंगे और इसके अलावा मेरी पत्नी को खुश करने का और कोई उपाय नहीं है मेरे पास, तो या तो घर में शांति रहे या तो तुमसे मित्रता रहे। तो मैंने घर में शांति रखने का प्रस्तावना स्वीकार किया और तुम्हें बलिदान चढ़ाने जा रहा हूँ। तो बंदर भी चतुर था तो उसने बोला, अरे भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो मगरमच्छ ने बोला, अगर पहले बताता तो थोड़ी तुम मेरी पीठ पे चढ़ते, मैं तुमको थोड़ी पकड़ के घर ले जाता अपने। तो बंदर बोलता है, नहीं तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा जिगर खाना है, वो तो बहुत कीमती वस्तु है, इसलिए मैं उसको छिपा के पेड़ में रखता हूं हमेशा। तो मगरमच्छ था भोंदू और उसने मान लिया उस बात को, बोला, तो तुम्हें तो पकड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्या करें अभी? तो बंदर ने बोला, अरे क्या करें, तुम मेरे को अभी बताए हो तो मैं तुमको मदद करता हूँ, चलो ले चलो मेरे को वापस पेड़ में, मैं अपना जिगर उठा के फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे घर। तो मगरमच्छ वापस घूम के पेड़ पे चला, पेड़ के पास गया और बंदर तुरंत कूद के पेड़ पे चढ़ गया। धोखेबाज, तुमने आज हमारी मित्रता की हत्या कर दी, तुमने मेरे को धोखा दिया, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं किया। मगरमच्छ बोला, तुमने मेरे को धोखा दिया, तुमने झूठ बोला कि दिल तुम्हारा पेड़ के अंदर है। तो बंदर ने बोला, जैसे तुमने मेरे को धोखा दिया उसी तरीके से मैं भी तुमको धोखा दे सकता हूँ, और अब तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तो इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलती है
कि अपने हृदय को सभी से ना बांटें, उसको बचा के रखें, सुरक्षित रखें, और जो योग्य व्यक्ति हैं भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनसे हम अपने दिल को शेयर करें, तो वे हमारे दिल को सही सलामत रखेंगे, हमें आनंद प्रदान करेंगे और वास्तविक सुख शांति प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा।